जय हिंद दोस्तों, हिंदमन होमियो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप BHMS, और आज मैं बात करने जा रहा हूं फोड़े फुंसी जब हमारी बॉडी में होते हैं या फिर कोई स्किन डिजीज होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुजली आती है हमारी स्किन पर, उसके बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक ऑयल के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। तो जो कि है स्कैब ऑयल, जो कि वीजल का प्रोडक्ट है। इसके लक्षणों के बारे में आज हम जानेंगे कि कब कब और कौन कौन इसको यूज कर सकता है, कैसे इसको आपको यूज करना है और इसका क्या प्राइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैब ऑयल की बात करें तो जब हमारी स्किन पर, जो हमारी बॉडी की त्वचा है, उस पर बहुत ही ज्यादा खुजली होती है, तो इसका यूज किया जा सकता है। खुजली के कारण के बारे में जाने यहाँ पर, तो स्किन की ड्राइनेस की वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा खुजली बनी रहती हो। इसके दूसरे लक्षण पर आए तो वो है रिंग वॉर्म, यानी कि जब हमारी बॉडी पर कई सारे दांत प्रेजेंट होते हैं त्वचा पर, तो उसमें भी आप स्कैब ऑयल का यूज कर सकते हैं। बढ़े इसके अगले लक्षण की ओर, तो वो है बॉइल, यानी कि छोटे छोटे जब हमारी बॉडी में फुंसियां हो जाती हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा उनमें से पस निकलता है, यानी कि पीप का डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है उसमें, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन आती है कार्बंकल, जिसमें कि लार्ज फॉर्म हो जाती है, जो हमारी फुंसियां हैं वो बहुत ही बड़ी हो जाती हैं और वो एक तरीके का फोड़े का फॉर्म ले लेती हैं, और उसमें इतना ज्यादा पस मिलता है और उसमें पेन भी होता है और उसमें साथ साथ उसका डिस्चार्ज होता रहता है, यानी कि पस बहुत ही ज्यादा बनता है उसमें, तो फोड़े फुंसी हो रहे हैं बॉडी में, तो उसमें भी स्कैब ऑयल का यूज किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। साथ ही साथ अगर जो हमारी स्किन है उसके कॉन्टेक्ट में कोई विषैले जो पौधे होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल कुछ प्लांट्स होते हैं, विषैले पौधे, उनके कॉन्टेक्ट में अगर हमारी स्किन आ गई है, उसकी वजह से वहां पर इरिटेशन है, बहुत ही ज्यादा जलन बन रही है स्किन में, तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर किसी चीज ने काट लिया है, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं जब हमारी बॉडी पर काट लेते हैं, उसके बाद भी जो जलन होती है उसमें बहुत ही प्रभावी है। अच्छी मेडिसिन इसमें अवेलेबल है, जैसे कि होम्योपैथी में सल्फर इचिनेशिया, फाइटोलक्का जैसी मेडिसिन को मिला करके ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये एक ऑयल बनाया गया है जो कि स्किन डिजीज में बहुत ही प्रभावशाली है। सल्फर जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, एजाटी रेचिटा भी इसमें अवेलेबल है, जो कि नीम से प्रिपेयर की जाती है, और इसके जानते ही आप नीम के कितने अच्छे बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए। इचिंग वगैरह है, हीट हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म है स्किन, जलन है उसमें, फोड़े फुंसी में इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका यूज कब कब आप और कर सकते हैं, एक दो लक्षण और रह गए हैं इसके। स्कैबीज में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है जब हमारी बॉडी से, और जब वो सूख जाता है, डिस्चार्ज जब सूख जाता है तो वहां पर फॉर्म हो जाता है, एक ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पर, तो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब अंदर से मैं दिखा दूं आपको, इस तरीके की बॉटल इसके अंदर से आपको मिल जाएगी, जो कि एक वीजल का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक प्रोडक्ट है ये। अब मैं इसके बता दूं आपको कि इसको आपको आप कैसे अप्लाई करना है। ज्यादा से ज्यादा लक्षण अगर आपके मिल रहे हैं तो आप इसको स्किन डिजीज में यूज कर सकते हैं। सुबह में और रात को सोने से पहले 2 बार इसको आपको अप्लाई करना है, 5 दिन तक इसको आप अप्लाई करें अफेक्टेड पार्ट पे। ये एक तेल है तो इसको आप अपने हथेली पर लेना है। सबसे पहले तो जो आपकी स्किन वाला पार्ट है जो अफेक्टेड है, उसको अच्छे से क्लीन पानी से, अच्छे साफ पानी से धो लेना है, एकदम सुखा लेना है। उसके बाद आपको इस ऑयल को अप्लाई करना है उस जगह पे, थोड़ा सा हाथों पे ले लेंगे आप, उस पर उस जगह अप्लाई करेंगे सुबह को और शाम में। 5 दिन तक इसको आपको अप्लाई करना है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। जो बॉडी में हमारे पस बन रहा है उसका कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जनरली जो फोड़े जो है हमारी बॉडी में वो फॉर्म हो जाते हैं। अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 140 रुपीज पे इस टाइम पे वीजल स्कैब ऑयल के नाम से मिल जाएगी आपको, बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।